दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूड पीसी के बारे में, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल अलग है। इसके अंदर मैं वो मॉडल लेकर के आया हूं जो मॉडल बहुत ज्यादा बिका है और उसका सक्सेस रेट 98-99% रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही मिल रहा है। जो लोग इसको बाय कर रहे हैं बहुत ही सेटिस्फाइड हुए हैं। प्राइस के हिसाब से जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन रहा है, वही सारे मॉडल के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्राइस भी है। समझने के लिए वीडियो के साथ तक बने रहे। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, सभी तक पहुंचना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बात करते हैं बजट पीसी के बारे में। रिन्यूड पीसी जिनका बजट कम है आंख बंद करके लो, क्योंकि जब से मैं वीडियो बना रहा हूं पहले हमें भी डर लगा था, लेकिन लोगों ने इतना इसको खरीदा है और कमेंट में इतना अच्छा इसका रिप्लाई आ रहा है, लोग बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार वीडियो को लेकर के आ रहा हूं। फर्स्ट में जो पीसी है वो है लेनोवो का थिंक सेंटर, बहुत ज्यादा बिका है। खास करके ये मॉडल बहुत ज्यादा बिका है। ये कोर i5 6 जनरेशन के साथ में है। 8GB रैम, DDR4 का रैम लगा हुआ है। 512GB SSD इसके अंदर लगी हुई है। विंडोज 11 अपग्रेडेड आता है। MS ऑफिस भी साथ में आता है। ये बहुत ज्यादा बिका है और जो लोग भी इसको बाय कर रहे हैं वो 100% सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो मात्र 11,990 यानी कि 12,000 रुपए में ये आपको मिल रहा है। आपको क्या ही चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन है और विश्वास मानिए आप इससे अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे, i5 6 जनरेशन के हिसाब से देखेंगे, इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही हाई एंड लगेगा, बहुत ही बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस आपको लगने वाला है, क्योंकि बजट हमारा कम है। आंख बंद करके ले लो, मजा आ जाने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा, आप लोगों में से जा रहे हैं लिंक पे तो जा रहे हैं लेकिन वहां जाकर के दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सस्ता मिल रहा है तो उसको बाय कर ले रहे हैं, फिर कमेंट कर रहे हैं कि मैंने ये वाला बाय किया जिसके अंदर हार्ड ड्राइव वाला लोगों ने आज भी बाय कर रखा है और बाद में लिख रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना है, ये जितने भी मैं लिंक दे रहा हूं बहुत रिसर्च करके दे रहा हूं और ये वो सारे लिंक है जो बहुत ज्यादा बिके हुए हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिला है, आप लोगों के रिव्यू आए हुए हैं, उन्हीं मॉडल्स को मैं इसमें बात कर रहा हूं। इसीलिए लिंक से हट करके आप बाय करेंगे तो हो सकता है आपके साथ गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप जानकार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा जो लिंक दिया हुआ है अपने बजट के हिसाब से उसको बाय करें। ये जो मॉडल है नेक्स्ट वाला i5 6 जनरेशन ही है, लेकिन इसके अंदर 16GB रैम लगा हुआ है और 256GB SSD लगी हुई है। इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी फाइल पे अगर आपको काम करना है तो इसको बाय कीजिए, क्योंकि इसके अंदर रैम बड़ी है लेकिन स्टोरेज थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल स्टोरेज लेना पड़ेगा। इसका प्राइस 12,950 रुपए है। प्राइस बहुत अच्छा है 16GB रैम के हिसाब से। DDR4 रैम लगी हुई है। विंडोज 11 ये भी अपग्रेडेड आ रहा है। MS ऑफिस के साथ में ये भी आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो डेल में आ जाते हैं। ये मॉडल बहुत अच्छा बिका हुआ है। डेल ऑप्टिलेक्स का 7040 मॉडल ये बहुत बिका है और ये भी बहुत सक्सेस है। अगर डेल चाहिए तो ये मॉडल ले लीजिए। i5 का 6 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD के साथ में, विंडोज 11 अपग्रेडेड है, वाईफाई के साथ में आएगा, दो डिस्प्ले इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, टेंशन फ्री रहना है तो डेल का ये मॉडल। इनमें से जितना भी मैं मॉडल लेकर के आया हूं, लेनोवो पर भरोसा करते हैं तो लेनोवो ले लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो। काफी लोगों को ये होता है कि नहीं हमें तो डेल ही चाहिए, बिल्कुल आपके लिए है और ये बिल्कुल टेस्टेड है, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस इस वक्त 16,000 चल रहा है, लेकिन ये जो मॉडल है ये 14,000 से 16,000 के बीच में वैरी कर रहा होता है। जब सही प्राइस मिले तो आप इसको बाय करें। इसका डिमांड इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसका प्राइस बढ़ गया है, लेकिन इस प्राइस में भी लोग डेली खरीद रहे हैं, डेली कमेंट आ रहा है, क्योंकि इसका मॉडल बहुत ही सक्सेस मॉडल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं डेल ऑप्टिलेक्स के अंदर ही 3060 टीनी मॉडल। ये i3 8th जनरेशन है। ये भी बहुत ज्यादा बिका हुआ है। 16GB रैम के साथ में, 480GB SSD के साथ में, विंडोज 11 अपग्रेडेड है, 16GB रैम है, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। 8th जनरेशन होने के वजह से जो विंडोज 11 का जो रिकमेंडेशन है उसको फुलफिल करता है। 8th जनरेशन इसमें आप बिल्कुल लीगली विंडोज 11 जो है रीइंस्टॉल कर पाएंगे। USB 3.0 ईथरनेट, VGA डिस्प्ले पोर्ट
के साथ में आता है, दो डिस्प्लेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मात्र 14,000 रुपए में ये मिल रहा है। बजट कम है, आंख बंद करके ये सब मॉडल बाय कर लीजिए, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा बाय किए हुए हैं और सभी का सेटिस्फेक्शन हाई लेवल पर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये मॉडल है एचपी का एलाइट बुक 800G2। इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने दिया हुआ है, कमाल का पीसी है, लोगों ने बहुत खरीदा, हमने भी खरीदा, चेक भी किया, टेस्ट भी किया और अपने ऑफिस में मैं इसको यूज भी कर रहा हूं। बहुत ही मजा आ गया है, बहुत ही अच्छा जो है ये काम कर रहा है, क्योंकि ये i5 6th जनरेशन का 8GB DDR4 रैम के साथ में 256GB SSD के साथ में ये है, विंडोज 11 के साथ में वाईफाई का डोंगल मिलता है, 3 डिस्प्ले इससे कनेक्ट कर सकते हैं, 2 DP इसके अंदर पोर्ट मिल रहा है, 1 VGA मिल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन अगर पुराना मॉडल का अगर आपके पास में मॉनिटर हुआ तो डायरेक्ट VGA से कनेक्ट कर लीजिए, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में कंप्लीटेड डिटेल्स देखना है तो इस पर वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह का सब कुछ बना रखा है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, सारा कुछ इसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट की बात करें तो ये तो बहुत ही अनलिमिटेड बिक रहा है, आसूस के अंदर हाई परफॉर्मेंस मिनी पीसी, ये i7 8th जनरेशन का ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के लिए है, बड़ा काम करना है, थोड़ा हाई स्पीड का अगर पीसी चाहिए मिनी पीसी, बिल्कुल आंख बंद करके आप इस पर भरोसा कीजिए, इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि i7 8th जनरेशन है, लीगली अगले 5-7 साल तक आप इसको चला सकते हैं, 16GB DDR4 की रैम है, 512GB SSD है, विंडोज 11 के साथ में MS ऑफिस वाईफाई सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन i5 8th जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं, 16GB DDR4 रैम 512GB SSD के हिसाब से देखते हैं तो ये प्राइस ज्यादा नहीं है, 23,000 इसका प्राइस है, 22 से 23 तक ही ये रह रहा है, ये हमेशा मैंने पिछले करीब 3-4 महीने से देख रहा हूं और बहुत लोग इसको जो है बाय कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये जितने सारे मॉडल की हम लोगों ने बात किया हुआ है, इन सब के बारे में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र करके बाय कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको, बजट कम है, रिन्यूड पीसी ले लीजिए, आप बिल्कुल खुश रहेंगे, क्योंकि अगर आपका 10-15 हज़ार का बजट है और इसके अंदर जो नया पीसी बनेगा वो कभी भी जो है यहां तक नहीं पहुंच सकता जो ये परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका दिन शुभ हो।